हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल vivahme.com में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज चरखी डोरमेट बनाएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए आज इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखने में जितना कठिन लग रहा है, ये उतना ही सुंदर लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। बहुत सुंदर सा डोरमेट है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा डोरमेट है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने फंदे डाल लिए हैं। फंदे इसमें हमने जितने फंदे यहाँ पे डालने हैं उसके डबल यहाँ पे डालने हैं। अगर यहाँ पे 7 डालने हैं तो यहाँ पे 14 डालने हैं, नहीं 14 डालने हैं। इसी प्रकार से हम फंदे डाल लेंगे दो कलर में। और फंदे डालने के बाद चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ों को आप ध्यान भी रखना है, वो मैं बीच बीच में बताऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाली, चलिए बनाते हैं। ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये वाले हमने फंदे बना लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इस कलर को ऐसे एक ले लेना है और इसे इस एक सलाई को ऐसे ही हमें बुनना है। ये इस एक फंदे को पिंक को हमें एक येलो बनाना है। और ये बाकी, ये देखिए ये वाले फंदों को ऐसे ही बनाना है। इस वाले फंदे को हमें सीधा बनाना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन दो फंदों को एक करना है। अब ये क्या होगा, दो फंदों को एक करना है। दो का एक किया और ये वाले सारे यहीं पे बुन लेंगे। ये देखिए ये इस प्रकार से ये सभी फंदों को बुनेंगे। ये फर्स्ट रो है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि टाइट फंदे होते हैं, तो इसे हम आराम से बुनेंगे। अब ये वाला एक पिंक येलो जो था, अब येलो को येलो से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इन फंदों को हमें यहाँ पे एक फंदा छोड़ देना है, यहीं से पलट लेना है। आराम से देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तभी पता चलता है कि किस तरह से बनाया गया है। जितना टफ लग रहा है उतना ही इजी है। जो देखिए आप यहाँ से इन फंदों को ऐसे ही बनाएंगे। बहुत कम समय में बहुत अच्छा सा डोरमेट बनाना सिखा दूँगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये इस प्रकार से यहाँ पे इस धागे को इसमें हम लपेटते हुए इस तरीके से ताकि इसी के अंदर चला जाए और ये दिखे ना। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, ये पलट लेंगे और ये सीधा बनाएंगे।
से पलट लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। पहली सिलाई में ये देखिए इस प्रकार से आप दो का एक करेंगे और ये इस रो को इसी तरह से बुन लेंगे, जो जिस कलर से है उसी कलर से पूरा बुनेंगे। अब ये पीछे करेंगे, येलो आगे लाएंगे और येलो को येलो से बनाएंगे। अब यहाँ से हम फिर पलट लेंगे इस तरह से, एक एक करके इधर छोड़ते जाएंगे, इधर एक एक करके घटाते जाएंगे। और यहाँ पे एक और ध्यान देना है इस चीज़ को, ये कलर जो है इसमें इस येलो कलर को इसमें आगे की साइड को इस तरीके से एक फंदे को बनाना है और यहाँ से पलट लेना है। और ये यहाँ पे हम इस फंदे को हमेशा क्या करेंगे, सीधे साइड से ही देंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ दो का एक करना है। तो अब यहाँ पे हम एक पिंक बचा, एक ये बचा, तो इसको पिंक से नहीं बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें ये उतार लेना है और इसको पीछे साइड कर देना है और ये येलो आगे साइड नहीं लाएंगे, पीछे से ही बताएंगे। अब इसको हमें उतार लेना है और इस साइड से इन दोनों फंदों को, इसमें दो को एक में किया और ये येलो से इसको हम इस तरीके से उतार लेंगे। अब देखिए, ये देखिए हमारा फंदा येलो हुआ। अब यहाँ से पलट लेंगे, अब ये पूरी रो को ये देखिए इस तरीके से येलो से बनाएंगे। अब आगे इसमें क्या करना है वो बताते हैं, बहुत ही इजी है। अब इस पूरी रो को इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पे अब एक और चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे ये जो है हमने इसमें गलती की है इस वाले में, ये देखिए जो मुझे अभी इसको दूसरे धागे से इसको भरना पड़ेगा इस स्पेस को, तो आप इसको ना करके, इसलिए हमने इसको नहीं बनाया अभी जिससे आपको बता सके। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो ये एक फंदा लिया है यहाँ इसको नहीं बुनेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इस साइड से हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से, इसको यहाँ से पूरी रो बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें इसको, जब यहाँ पे हमने कहाँ तक कटाया था, यहाँ तक कि एक एक फंदा कटाया था, तो अब यहाँ से हम पलट लेंगे इतना बुन के और इसे इस तरीके से ऊपर की साइड जाएंगे और ये सीधा बुनेंगे, यहीं से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इन फंदों को हमने अभी यहाँ बनाए थे, यहाँ पे यहाँ पे हमने यहाँ तक की बनाया था। अब ये वाला फंदा बुनेंगे, यहीं से पलट जाएंगे, इसी तरह कर करके पूरा बुना बनाएंगे। और बनाने के बाद फिर आगे दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने इतना बना लिया, एक एक करके घटाया था, तो एक एक करके ये पूरी रो हमने बना ली इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 7 फंदे डाले थे इसके, तो 7 फंदे हम यहाँ पे हो गए हैं। तो 7 फंदे ये वाले करके बाकी यहाँ पे जो फंदे बचते हैं उनको हम इसी कलर से बनाएंगे। तो हम इस कलर से ना बना के क्या करना है यहाँ पे, अब ये हमने दूसरा कलर लगा लिया है। पे 7 फंदे थे यहाँ पे डाले थे, तो 7 फंदे हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे जो फंदे बचते हैं वो हम येलो कलर से बनाएंगे। तो इस येलो कलर को अब हम यहाँ पे लगाएंगे, जो फंदे बचे हैं वहाँ से बुनेंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब आगे क्या करना है, आगे हमें अब यहाँ पे फंदे इस चीज़ को बनाने के लिए, ये इस चीज़ को बनाने के लिए हमें इस तरीके से यहाँ पे सारे फंदे डाल लेने हैं। कितने, 5 फंदे यहाँ पे डालेंगे हम, क्योंकि पहले 5 थे तो फिर 5 डालें। अब इन फंदों को बनाएंगे और इसी प्रकार से एक एक करके घटाते जाएंगे और इस वाले को इसमें बढ़ाते जाएंगे इसी प्रकार से। ये देखिए ये वाला, ये पोर्शन हमारा बन जाएगा इस तरीके से। ये वाला यहाँ पे एक एक करके बढ़ाएंगे और ये वाला घटाएंगे, इस तरीके से हमारा ये बनता चला जाएगा और ये डोरमेट बन के कम्प्लीट हो जाएगा।